हाँ जी, न्यू इंडियस 12 इनकम टैक्सेस, नाम क्या है? इनकम टैक्सेस, इंडियस 12। अगर किसी ने AS 22 पढ़ रखा है इंटर के अंदर, अगर वो सिलेबस 22 से बिलोंग कर रहा है तो उसने AS 22 पढ़ रखा होगा। वहां पर भी हमने पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, जहां पे हमने सीखा था डेफर टैक्स एसेट्स और डेफर टैक्स लाइबिलिटीज के बारे में, अगर आपको याद हो तो। वही हमें इस इंडेक्स में सीखना होगा, डेफर टैक्स एसेट्स और डेफर टैक्स लाइबिलिटीज के बारे में, लेकिन सीखने का तरीका, कैलकुलेट करने का तरीका अलग होगा अगर किसी ने पढ़ रखा है तो। अच्छा, पहले हम कैसे पढ़ते थे सर? हम पीएनएल अप्रोच फॉलो करते थे, और अब हम क्या करेंगे? अब हम बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करेंगे, क्योंकि एएस पीएनएल अप्रोच पे बेस्ड है और इंडेक्स में बैलेंस शीट अप्रोच पर बेस्ड है। सर ये होता क्या अभी बताएंगे, सुनो। लिखना नहीं है अभी, अभी सिर्फ नॉर्मल समझो। एक एग्जाम्पल लेता हूं, और इस इंडेक्स में है क्या, जैसे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो जरा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, फिक्स एसेट है, मशीनरी मान लो। मान लेते हैं इस एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है 30,000 रुपए। डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? सर डेप्रिसिएशन लगेगा एसएलएम मेथड से, एज पर इंड एयर्स, एज पर इंड एयर्स। याद है इंड एयर्स 16 पढ़ा है आपने, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। वो कहता है एसएलएम लगा लीजिए, डब्ल्यूडी लगा लीजिए, प्रोडक्शन यूनिट मेथड लगा दीजिए। तो हमने कहा चलो जी एसएलएम। लाइफ कितनी है? 5 साल। लाइफ कितनी? 5 साल। ओके, तो 30,000 को 5 सालों में एलोकेट कर दोगे, हर साल 6,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब बात करें कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वो कितना लग रहा है? तो उसके लिए देखो, मान लो ईयर 1, 2, 3, 4 और 5 में जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो है, पहले साल 10,000, फिर 8,000, फिर 6,000, फिर 4,000 और फिर 2,000। देखना टोटल कितना हुआ, 10 और 8, 18 और 6, 24, 24 और 4, 28, और 28 और 2, 30,000। कंप्लीट डेप्रिसिएशन लग रहा है इनकम टैक्स में 5 सालों में ही। ओके, एसएलएम में तो कितना लगेगा? सर एसएलएम में तो लगेगा, इसका मतलब 30,000 रुपए की एसेट है, 5 सालों में एलोकेट करना है, इसका मतलब हर साल 6,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। और इनकम टैक्स में लगेगा कितना? 10,000, 8,000, 6,000, 4,000 और 2,000। समझते चलना इस का थीम। ओके, इसके अलावा जो क्वेश्चन है, मान लो आपको डेटा दिया कि आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट, इस बार का अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? अकाउंटिंग प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का, ईयर फर्स्ट का मान लेते हैं 50,000 रुपए। टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट मान लेते हैं 30%। टैक्स रेट मान लेते हैं 30%। समझते चलना, बाद में जरूरत होगी तो लिख भी लेना, हालांकि ऐसे एग्जांपल बाद में और लिखवाए जाएंगे, पहले सिर्फ समझने पे फोकस करो, क्योंकि कभी भी इंडेक्स स्टार्ट करें तो एक्चुअली उस इंडेक्स में है क्या वो जाने तो सही। तो इस इंडेक्स में ऑब्वियसली नाम क्या है? इंडेक्स 12 इनकम टैक्सेस। तो हमें इनकम टैक्स के बारे में बताना है, कोई और टैक्स नहीं, केवल इनकम टैक्स, केवल इनकम टैक्स, कोई और टैक्स नहीं, केवल इनकम टैक्स की बात हो रही है यहां पर। ओके, तो अब सुनना सर, हमें कैलकुलेट करना क्या क्या है। देखो, इनकम टैक्स में दो तरह के टैक्स यहाँ पे शामिल होंगे, आपके टैक्स एक्सपेंस में दो तरह के टैक्स शामिल होंगे, एक तो करंट टैक्स, दूसरा डेफर्ड टैक्स। सर ये क्या क्या होते हैं? अगर मैं करंट टैक्स की बात करूं तो क्या क्या होगा, और डेफर्ड टैक्स की बात करूं तो क्या क्या होगा?
करंट टैक्स की अगर बात की जाए तो करंट टैक्स क्या होता है सर? करंट टैक्स तो ये होता है ना जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमें पे करना है गवर्नमेंट को, एक्चुअल टैक्स पेड किसके अकॉर्डिंग? एज पर द इनकम टैक्स एक्ट जो भी आपके रनिंग में 1961, ओके तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं, याद है पीजीबीपी? हाँ सर याद है ना, अकाउंटिंग। अगर मैं पहले बात फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ईयर फर्स्ट की, केवल ईयर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, करंट टैक्स में केवल ईयर फर्स्ट की ही बात की जा रहा हूँ क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट मैंने केवल फर्स्ट ईयर का दिया है। तो मान लेता हूं मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा है पीबीटी, ठीक है ना, पीबीटी कितना आ रहा है सर? मानना क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है ये देखो 50,000, ओके पीबीटी कितना आ रहा है? 50,000 आ रहा है, 50,000। और ये अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है पीबीटी कितना आ रहा है? 50,000। अब ये जो पीबीटी आपने कैलकुलेट कर रखा है ये कौन सा डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद कैलकुलेट कर रखा होगा सर? इसके अंदर तो हमने डेप्रिसिएशन एज पर इंड एस ही लेस कर रखा होगा। हाँ सर कितना? 6,000 लेस कर रखा होगा, फिर 50,000 आया होगा। हमें इसमें क्या करना होता है, ऐड क्या करना होगा? जो आपने डेप्रिसिएशन लेस कर रखा है उसे वापस क्या कर देना होगा? एड बैक कर देना होगा, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स। कितना रुपए है? 6,000 रुपए डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, इंडेस, इंडेस के अकॉर्डिंग आपकी बुक्स बन रही है और बुक्स में आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है 6,000 रुपए। तो ये 6,000 आप वापस एड बैक कर देते थे पीजीबीपी के अंदर। याद रखना पीजीबीपी के अंदर टैक्स कितना बन रहा है, एक बार के लिए टैक्स पढ़ा रहा हूं ये मान, है ना। और लेस क्या कर दोगे, अलाउड कितना है, अलाउड डेप्रिसिएशन कितना है, अलाउड डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, सर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 10,000 रुपए, ओके तो लेस कर दोगे 10,000। बताना मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, बताना मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 50,000 में 6,000 एड बैक कर दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि वो डेप्रिसिएशन आपने लेस कर रखा था लेकिन इनकम टैक्स वाले उसे कंसिडर नहीं करते। इनकम टैक्स कितना डेप्रिसिएशन कंसिडर कर रहा है, 10,000, कितना होगा, ओके हर्ष 46,000। और इस पर टैक्स कितना बनेगा, और जो टैक्स बनेगा हम उसे कहेंगे करंट टैक्स। क्या बोलेंगे? करंट टैक्स 46,000 पर 30%, बताइएगा 46,000 का 30% कितना, 13,800, ओके हर्ष, हर्ष के अलावा भी बता सकते हैं 13,800। फटाफट से मुझे एक मैसेज करके बता दो क्या करंट टैक्स क्लियर है, क्या करंट टैक्स क्लियर है, फटाफट से मैसेज करो यस और नो। ओके पूजा, ओके लवी, ओके प्रियांशी, ओके स्नेहा, ओके हर्ष, लवीना, ठीक है जी। सर करंट टैक्स में कुछ नहीं था, जो हमने इंटर्न वगैरह में पढ़ा है आपने वही बताया है हमको कि भैया एक ऐसा खर्चा जो इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि 10,000 है, आपने अपने यहाँ बुक्स में 6,000 लिख रखा था, तो जो एक्चुअली 6,000 आपने रिकॉर्ड कर रखा था उसे तो एड बैक कर दो, और जो अलाउड डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स उसे लेस कर दो। टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट का जो टैक्स बन रहा है 13,800, दैट इज द करंट टैक्स। अब क्या बात आएगी, अब बात आती है डेफर्ड टैक्स की। अब बात आती है डेफर्ड टैक्स की, ये क्या है सर डेफर्ड टैक्स? इसमें भी दो होंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डिपेंड करता है कि हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इस एग्जांपल में क्या है वो देखो, ताकि हमको एक थीम समझ में आए इस इंडेक्स के अंदर हमें पढ़ना क्या है। अब डेफर्ड टैक्स क्या होगा, डेफर्ड टैक्स क्या होता है सुनो, ईयर 1, 2, 3, 4, 5,
ये मैं आपको पीएनडल अप्रोच बता रहा हूं जो कि एएस के अंदर बता रखी है, पीएनडल अप्रोच जो कि AS 22 के अंदर बता रखी है। हमें इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, बट ध्यान में रखना है पीएनडल अप्रोच AS 22 के अंदर जो बता रखा है, काउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के अंदर। वो कहता है देखो जी, आपका डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स कितना है, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स। तो कहा 6,000, 6,000 हर साल कितना, 6,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है एज पर बुक्स, और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स IT वो कितना है। कहा ये है 10,000, 8,000, 6,000, 4,000 और 2,000। ओके, अल्टीमेटली दोनों में 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग रहा है इन 5 सालों में, लेकिन डेप्रिसिएशन लगने का जो तरीका है वो अलग अलग है। इसको हम AS 22 में बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। ओके, तो AS 22 जिसने पढ़ा है उसको पता है कि ये है टाइमिंग डिफरेंस। सर टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? ऐसा डिफरेंस, देखो इसकी वजह से हमारी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। और एक ऐसा डिफरेंस जो क्या है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों? क्योंकि आगे चल के वापस रिवर्स हो जाएगा। आज बुक्स में डेप्रिसिएशन कम लग रहा है, किसके कंपैरिजन में? इनकम टैक्स के कंपैरिजन में। लेकिन आगे चल के वही डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के कंपैरिजन में क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, अल्टीमेटली लगेगा तो टोटल 30,000 ही। इसको बोला जाएगा टाइमिंग डिफरेंस। एक ऐसा डिफरेंस अराइज हुआ है जो आगे आने वाले सालों में वापस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये AS 22 कहता है। टाइमिंग डिफरेंस कितना है यहां पर? 4,000 का। टाइमिंग डिफरेंस कितना? 4,000 का। यहां पर कितना? 2,000 का। यहां पर कितना? कुछ नहीं। और अब क्या होने वाला है? अब होने वाला है इस टाइमिंग डिफरेंस का रिवर्सल। अब इस टाइमिंग डिफरेंस का क्या हो रहा है? रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। कितना सर? पहले बुक्स में कम डेप्रिसिएशन लगा था, इस बार बुक्स में 2,000 ज्यादा डेप्रिसिएशन लग रहा है। ओके, रिवर्सल। ओके, इस बार बुक्स में कितना डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा है? 4,000। तो जो टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ वो आगे आने वाले सालों में क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। ये हमने पढ़ा था AS 22 में। ऑब्वियसली थीम वही है, कॉन्सेप्ट वही है, तरीका सॉल्व करने का अलग होगा, लेकिन ये भी समझना जरूरी है। ओके, तो ये हुआ टाइमिंग डिफरेंस अराइज और फिर हुआ इसका रिवर्सल। सर इससे क्या होगा? मैंने कहा सुनो, इससे जनरेट होगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डिपेंड करेगा डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर होता क्या है, समझना ना, एक बात बताओ। अगर अगर तुम 50,000 पर ही टैक्स दे देते, अगर तुम 50,000 पर ही टैक्स दे देते तो कितना टैक्स बनता? 50,000 का 30% कितना होता बताओ? 50,000 का 30% सर, 50,000 का 30% तो 15,000 होता ना, बिल्कुल। अगर अकाउंट के हिसाब से देखूं तो 50,000 पे 30% 15,000 रुपए का टैक्स बनता है, लेकिन टैक्स लॉस कुछ और है, इसलिए मुझे टैक्स कितना देना पड़ा? 13,800 देना पड़ा। आपको कम टैक्स देना पड़ रहा है ना, कितने रुपए का कम टैक्स देना पड़ा बताओ? सर 50,000 पे देता तो 15,000 देना पड़ता, इनकम टैक्स वालों ने मुझसे केवल 13,800 लिया, कम लिया है टैक्स। कितने रुपए कम लिया है? 1,200 रुपए का टैक्स कम लिया है। मेरा एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, यस और नो में आंसर देना। क्या इनकम टैक्स वालों ने आज कम लिया है तो क्या इन फ्यूचर वो ज्यादा टैक्स लेंगे इस चीज के लिए? बोलो, आज कम लिया है इनकम टैक्स वालों ने, आज हमें छोड़ दिया है तो क्या फ्यूचर में ये ज्यादा ज्यादा टैक्स लेंगे, यस और नो बताओ? क्योंकि आज तो इनकम टैक्स वालों ने डेप्रिसिएशन ज्यादा अलाउ कर दिया है, लेकिन आगे चल के क्या होगा?
बुक्स में जब ज्यादा डेप्रिशिएशन आएगा और इनकम टैक्स में कम डेप्रिशिएशन होगा तो ये चीज रिवर्स होगी कि नहीं होगी, बोलो। हाँ जी, फटाफट से आंसर करो, यस और नो। नहीं समझ में आया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, वापस सुन लो, ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी अगर मैं इनकम टैक्स कहता कि मेरा नहीं है जी, आपके अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो रहा है आप बता दीजिए, तो मैं अकाउंट में प्रॉफिट कितना बताता? 50,000 रुपये बताता कि नहीं बताता? और उस 50,000 के हिसाब से 30% मेरा टैक्स कितना बनता? 15,000 बनता कि नहीं बनता? लेकिन गवर्नमेंट मुझसे कितना टैक्स ले रही है? केवल 13,800, बोलो, 1,200 रुपये कम ले रही है। अच्छा, यही एक बात बताओ, अगले साल होता, चलो हम मान लेते हैं कि हमारा हर साल का प्रॉफिट कितना है? 50,000 है। केवल ईयर वन का नहीं सर, हमारा तो ना हर साल का ही प्रॉफिट 50,000 ही है। अब क्या होगा? ईयर टू 50,000 के हिसाब से 15,000 टैक्स बनता है अकाउंट के हिसाब से, लेकिन टैक्स क्या कहते हैं? एज पर बुक्स हम कंसिडर नहीं करते, हम तो हमारा वाला कंसिडर करेंगे 8,000, तो उसके हिसाब से कितना होगा? 48,000 टैक्सेबल प्रॉफिट होगा। उस टैक्सेबल प्रॉफिट 48,000 का 30% बताना मुझे कितना होता है? करंट टैक्स एट द रेट 30%, 13,800 इधर कितना? ओके हर्ष, 14,400 मेरे अकॉर्डिंग 15 बन रहा है, लेकिन इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग 14,400 बन रहा है। ओके, ईयर थ्री की बात करते हैं, 50,000 एड बैक क्या कर दिया? डेप्रिशिएशन एज पर बुक्स, और इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग भी इस साल 6,000 ही है, तो इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग भी टैक्सेबल प्रॉफिट 50,000, और 50,000 का 30% कितना? 15,000। ओके, मेरे अकॉर्डिंग भी 15,000 और इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग भी 15,000। ईयर फोर 50,000 का प्रॉफिट, मेरे अकॉर्डिंग 50,000 पे 30%, 15,000 टैक्स, मेरे कौन अकाउंट के अकॉर्डिंग? इंडिया के अकॉर्डिंग। टैक्स वाले क्या कहते हैं? नहीं जी, 6,000 डिस अलाउड है तुम्हारा वाला, हम अलाउड करेंगे हमारा वाला कितना? 4,000। तो इसके बेसिस पर 52,000 का टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा, और 52,000 पे 30% कितना होता है बताओ? 15,600 होगा कि नहीं होगा? ओके प्रियांशी, ओके स्नेहा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 15,000 बन रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 15,600 बन रहा है। ईयर फाइव 50,000 का प्रॉफिट, एड बैक कर दिया 6,000 का डेप्रिशन, और गवर्नमेंट कह रही है मैं तो 2,000 अलाउ करूंगी। ओके 54,000 का 30% कितना? 16,200। ओके जी, मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग तो 15, लेकिन गवर्नमेंट करिए नहीं जी 16,200। अब मेरे उसी क्वेश्चन का वापस आंसर करो, क्या गवर्नमेंट अभी आपसे टैक्स कम ले रही है? अभी आपको जो सेविंग हो रही है टैक्स की, सेविंग इन टैक्स नाउ, ठीक है ना, अभी सेविंग इन टैक्स हो रही है, अभी सेविंग इन टैक्स हो रहा है, टैक्स में बचत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, टैक्स में बचत हो रहा है, इसमें तो इक्वल लग रहा है, तो आगे क्या तुमको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा? क्या एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा क्या? बोलो, हाँ या ना? यस सर, लवि ने कहा यस सर। आज तो 15,000 की जगह 13,800 दिया तुमने, 1,200 बचा लिए, इधर 15,000 की जगह 14,400 दिया, 600 बचा लिए। ओके, लेकिन इधर 15 की जगह 15,600 देना पड़ रहा है, 600 एक्स्ट्रा लग रहे हैं, इधर 15,000 की जगह 16,200 देना पड़ रहा है, मतलब 1,200 एक्स्ट्रा लग रहे हैं, हुआ ना? तो ये ही प्रोविजन क्रिएट करके दे रहे हैं आपको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। हम कह रहे हैं क्या, ये टाइमिंग डिफरेंस, ये क्या है? टाइमिंग डिफरेंस है। ये कहते हैं ये टैक्स तो देना है तुमको, हम आज कम ले रहे हैं फ्यूचर में ज्यादा लेंगे, तो मैंने कहा तुम लोगे ना ज्यादा, तो ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है मेरा, मैं इसको बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा आज ही। मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से 15,000 टैक्स बनता है पहले साल, मेरे हिसाब से 15,000 टैक्स बनता है,
तुम कह रहे हो 13,800, 1,200 रुपए, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम हमेशा हमेशा के लिए कम लोगे, नहीं बाद में ज्यादा लोगे ना, तो बाद में ज्यादा लोगे तो मैं आज ही इस 1,200 के लिए क्या बना दूंगा, डेफर टैक्स लाइबिलिटी बना दूंगा, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी है लेकिन आज नहीं देनी, कब देनी है, बाद में देनी है। ओके, 600 रुपए का टैक्स लाइबिलिटी है, कैसा, डेफर, आज नहीं देना है बाद में देना है, कब देना है, ये 600 इधर दे दो, 1,200 इधर दे दो, समझ में आया डेफर टैक्स लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, डेफर टैक्स लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये। ओके, अब देखो मैंने यहां पे लिखा, मैंने कहा देखो टाइमिंग डिफरेंस है, ये टाइमिंग डिफरेंस तुम्हारे लिए क्या जनरेट करके देगा, ये टाइमिंग डिफरेंस तुम्हारे लिए डेफर टैक्स लाइबिलिटी जनरेट करके दे रहा है। ये जो 4,000 का टाइमिंग डिफरेंस है, 4,000, 4,000 का 30% कितना, 1,200 रुपए क्या है तुम्हारी डेफर टैक्स लाइबिलिटी है। क्यों है लाइबिलिटी, सुनना, बुक्स में 6,000 का खर्चा, इनकम टैक्स में 10,000 का खर्चा, इनकम टैक्स खर्चा ज्यादा अलाउ करेगा तो इनकम टैक्स में प्रॉफिट कम आएंगे, कम आएंगे तो प्रॉफिट आज कम देना पड़ेगा। मैंने कहा आज तुम कम ले लोगे तो क्या हो गया, फ्यूचर में ज्यादा लोगे कि नहीं लोगे, लेंगे, तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी, समझना इस चीज को, है ना, फ्यूचर में ज्यादा लोगे तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, ऐसे यहां पे अकाउंट में खर्चा 6,000, इनकम टैक्स में खर्चा 8,000 अलाउ कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स में खर्चा ज्यादा देंगे तो इनकम टैक्स के प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट को फ्यूचर में तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो ये हमारे लिए डेफर टैक्स लाइबिलिटी होगा। टाइमिंग डिफरेंस कितना, 2,000, 2,000 का 30% कितना, 600 रुपए। ओके, अच्छा और देखते हैं, 6,000, 6,000, यहां पे कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं है इसलिए कोई डेफर टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं होगा। ओके, डेफर टैक्स लाइबिलिटी किधर आएगा, पीएनएल में आता है, टैक्स एक्सपेंस शोन इन द पीएनएल। ओके, फिर अच्छा, डेफर टैक्स लाइबिलिटी हर बार पीएनएल में शो होता रहेगा कि हम आगे देंगे आगे देंगे आगे देंगे, तब आगे देंगे तो बैलेंस शीट में भी आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर, शोन इन द बैलेंस शीट। तुम लोगों ने एएस के अकॉर्डिंग जब बैलेंस शीट बनाया था इंटर में, तो इंटर में डेफर टैक्स लाइबिलिटी को अपना नॉन करंट लाइबिलिटी माना था कि नहीं माना था, माना था सर, तो पहले साल 1,200, दूसरे साल 600, 1,200 और 600 टोटल कितना, 1,800, अगले साल और कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुआ, बैलेंस कितना चल रहा है, 1,800 रुपए का, उसके बाद और आगे चलना। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है सर, अब है ना जो पहले टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ था जिस आइटम की वजह से, अब वो टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स हो रहा है, कैसे, अब बुक्स में खर्चा 6,000 और इनकम टैक्स में खर्चा 4,000 शो हो रहा है, तो अभी इनकम टैक्स में खर्चा कम शो हो रहा है तो इनकम टैक्स वाले ज्यादा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उसका, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो टैक्स की डिमांड ज्यादा करेंगे। मैंने कहा मैं तो पहले ही कहा था, इसीलिए मैंने डेफर टैक्स लाइबिलिटी बना रखा है कि तुम लोग टैक्स ज्यादा मांगोगे फ्यूचर में, तो मैंने आज ही डेफर टैक्स लाइबिलिटी बना लिया था। मैंने कहा अच्छा अब टाइम आ गया मेरी बुक्स में रिवर्स करने का, मैंने कहा टाइमिंग डिफरेंस कितना रिवर्स हुआ है, 2,000 रुपए, 6,000 और 4,000 का डिफरेंस कितना, 2,000 रुपए, ये 2,000 का 30% कितना, 600 रुपए क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। 600 रुपए जैसे ही रिवर्स करूंगा मैं अपनी बैलेंस शीट में, डेफर टैक्स लाइबिलिटी को कम कर लूंगा, कितना हो जाएगा ये, 1,200 रुपए हो जाएगा। ओके, 1,200 रुपए हो जाएगा, हाँ जी। फिर उसके बाद फिफ्थ ईयर में कितना रिवर्स हो रहा है, सर फिफ्थ ईयर में देखो बुक्स में 6,000 का खर्चा और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 2,000 का ही खर्चा है, इसका मतलब इनकम टैक्स में खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा शो होगा तो गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स मांगेगी। मैंने कहा मेरे को तो पहले ही पता था, इसीलिए तो डीटीएल क्रिएट किया था, तो 4,000 का रिवर्सल हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंस कितना 4,000 का, खर्चे में 4,000 का डिफरेंस तो प्रॉफिट में भी 4,000 का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, यस, तो 4,000 का 30% कितना, 1,200 रुपए क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, और 1,200 रुपए जैसे ही रिवर्स होगा, पिछली बार बैलेंस शीट में डिटेल कितना था, 1,200 रुपए, जैसे ही इस बार तुम पीएनएल में 1,200 रिवर्स करोगे, अब बैलेंस शीट में कोई डेफर टैक्स लाइबिलिटी नहीं बचेगा। बोलो यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया क्या, मैं वापस रिपीट कर देता हूं एक बार पूरा, अभी तक तो इसी क्वेश्चन को AS 22 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने बताया करंट टैक्स, करंट टैक्स तो मैंने कहा कि देखो जी अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरा हर साल कितना, 50-50 मान लिया है मैंने, अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरा हर साल का मान लिया है,
ये ईयर वन नहीं, यहां से अब मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड किया, ईयर वन टू फाइव, पूरे साल पचास पचास मान लिया। और डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स कितना है? 6,000 रुपए जो आपने लेस कर रखा है। लेकिन 6,000 इनकम टैक्स वाले तो डिसअलाउड कर देंगे, और इनकम टैक्स वाले कहेंगे जी देखो जी अलाउड क्या है, 10,000, 8,000, 6,000, 4,000 और 2,000। तो टैक्सेबल प्रॉफिट बनता है 46, 48, 50, 52, 54, और उसके बेसिस पे आपका करंट टैक्स बनता है 30% के हिसाब से कितना, 13,800, 14,400, 15,000, 15,600, 16,200। मैंने कहा देखो जी अगर प्रॉफिट अगर 50,000 ही कंसिडर होता, अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से ही मैं टैक्स की कैलकुलेशन करता, तो हर साल टैक्स बनता 50,000 का 30% 15,000। लेकिन गवर्नमेंट मुझसे कितना ले रही है, गवर्नमेंट मुझसे ले रही है केवल कितना, पहले साल 13,800, इसका मतलब 1,200 रुपए का टैक्स सेविंग हो रहा है। लेकिन इसको अच्छी बात मत मानना, क्योंकि गवर्नमेंट आगे चल के तुमसे ये टैक्स वसूल कर लेगी। अच्छा, आगे चल के वसूल कर लेगी, इसलिए मैंने इसको डेफर टैक्स लाइबिलिटी कंसिडर किया। ये 1,200 रुपए मेरे को डेफर टैक्स लाइबिलिटी, 15,000 बन रहा ना, 50,000 का 30% 15,000, गवर्नमेंट ले रही है केवल 13,800। तो 13,800 तो करंट टैक्स हो गया, ऊपर का 1,200 डेफर टैक्स हो गया, डेफर टैक्स लाइबिलिटी। ओके, ऐसे ईयर टू में 50,000 का 30% 15,000 बनता है, लेकिन गवर्नमेंट ले रही है सिर्फ 14,400, इसका मतलब 600 मेरा डेफर टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा। मैंने कहा अभी नहीं लेगी, बाद में लेगी। ओके, फिर उसके बाद ईयर थ्री में, ईयर थ्री में मेरे अकॉर्डिंग भी 15,000 और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी 15,000, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई डेफर टैक्स अराइज नहीं हुआ है, करंट टैक्स और एक्चुअल में टैक्स सेम है ना। ओके, ईयर फोर, मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग 15,000, लेकिन गवर्नमेंट अब कितना मांगेगी, गवर्नमेंट कह रही है 15,600 लाख, 600 रुपए ज्यादा डिमांड कर रही है, तो फ्यूचर में टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी। तो उसके लिए आज ही हमने क्या कर लिया था, डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट कर लिया था। अब वो डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा, रिवर्स होगा। तो इस बार फोर्थ ईयर में 600 रिवर्स हुआ और फिफ्थ ईयर में 1,200 रिवर्स हो गया। ओके, यहां तक समझ में आया हो तो डन बोलना फटाफट, यहां तक समझ में आया हो तो डन बोलना, यहां तक समझ में आया हो तो डन बोलना। ओके स्नेहा, ओके हर्ष, लवी, ओके ये है, हाँ डेफर टैक्स लाइबिलिटी, ओके डन, ओके लक्षिता, ठीक है लवीना। अब इसी को मैंने प्रॉफिट से ना दिखाकर खर्चों के बेसिस पे दिखाया। मैंने कहा पीएनएल अप्रोच प्रॉफिट बेसिस पे भी बता सकते हो, खर्चे के बेसिस पे भी बता सकते हो। मैंने कहा बुक्स में खर्चा 6,000, इनकम टैक्स बोल रहा है 10,000, इसका मतलब इनकम टैक्स में खर्चा ज्यादा अलाउ हो गया, ज्यादा अलाउ हो जाएगा तो इनकम टैक्स में प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। मैंने कहा आज तुम कम ले रहे हो टैक्स, प्रॉफिट कम होंगे तो टैक्स भी कम डिमांड करेगी गवर्नमेंट। मैंने कहा आज तुम टैक्स कम ले रहे हो लेकिन आगे लोगे ना, तो ये मेरे लिए डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करके देगा। और इस डिफरेंस को मैं टाइमिंग डिफरेंस बोलता हूँ, 4,000 रुपए, 4,000 का 30% कितना, डेफर टैक्स लाइबिलिटी 1,200 रुपए। अगेन दूसरे साल 6,000 बुक्स में खर्चा और इनकम टैक्स में 8,000 का खर्चा, इनकम टैक्स वालों ने फिर खर्चा ज्यादा अलाउ कर दिया, मतलब प्रॉफिट कम हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो गवर्नमेंट कम टैक्स डिमांड करेगी, लेकिन फ्यूचर में तो करेगी ना, तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी अराइज हुआ। और फिर थर्ड ईयर में कॉमन था खर्चा, कुछ भी नहीं हुआ, कोई अराइज नहीं हुआ, कोई रिवर्सल नहीं हुआ। फोर्थ ईयर से रिवर्सल होना स्टार्ट हो गया, भैया बुक्स में खर्चा 6,000, इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं 4,000, ये 2,000 का टाइमिंग डिफरेंस अब क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। ओके, तो 2,000 का 30%, 600 का डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ओके, ऐसा मत बोलना डेफर टैक्स एसेट दे दिया, नहीं डेफर टैक्स एसेट नहीं, जो डेफर टैक्स लाइबिलिटी अराइज हुआ था उसी का रिवर्सल हो रहा है अब। तो ये 2 सालों में, आगे आने वाले 2 सालों में इसका रिवर्सल हो गया। ओके, ये पीएनएल में हमने क्रिएट किया था 1,200, तो बैलेंस शीट में भी दिखा दिया 1,200। फिर अगले साल पीएनएल में क्रिएट किया 600, तो बैलेंस शीट में कितना हो गया, पिछली बार का 1,200 और इस बार का 600, 1,800 रुपए। इस बार कुछ भी डेफर टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं हुआ, तो मैंने कहा अच्छा जी पिछले वाला ही कंटिन्यू रहेगा 1,800। इस बार डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिवर्स हो रहा है, कितना, पीएनएल में 600 रिवर्स हो रहा है, तो बैलेंस शीट में कितना बचेगा, 1,800 में से 600 हटा दो 1,200, 1,200 अगर रिवर्स हो रहा है तो कितना बचेगा, सर पिछली बार बैलेंस शीट में था ही 1,200, कंप्लीट 1,200 रिवर्स हो गया, इसका मतलब अब कोई डेफर टैक्स लाइबिलिटी अराइज रिमेनिंग नहीं है। हाँ पूजा पूछो, क्या डाउट है, हाँ पूजा पूछिएगा, अनम्यूट करें तुमको। अच्छा इतनी हिम्मत तुम्हारी,
पूजा देखो हुए हो क्या पूजा। हाँ बोलो। अच्छा कुछ बोल रहे हो लेकिन मेरे को आवाज नहीं आ रही। एक काम करो मैसेज ही कर दो, मैसेज कर दो, आवाज आएगी नहीं मुझे अभी। ठीक है मैसेज कर दो, टीवी ऑन नहीं है हमारा। मैसेज कर दो आप। हाँ जी ओके पूजा, कल लाइव पूछ लेना टेंशन नहीं। ठीक है चलो अब सुनो, ये तो था AS22 के अकॉर्डिंग पीएंडल अप्रोच। हमें इस तरीके से नहीं करना है ना। करना कैसे है फिर सर? हमें हमें बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करना है, बैलेंस शीट अप्रोच। तो सर ये क्यों सिखाया था? अरे जरूरत है, दोनों चीजें जरूरत है, क्योंकि वरना बैलेंस शीट अप्रोच आपको रटने जैसा लगेगा कि हमने रट लिया है। एक होता है कॉन्सेप्ट को समझना, एक होता है रटना। समझा तुमने अभी है पीएनडल अप्रोच से, तुमने समझा है उसको, और बैलेंस शीट अप्रोच जस्ट लाइक रटने जैसा हो जाएगा बैलेंस शीट अप्रोच। लेकिन फॉलो तो यही करना है, क्यों? क्योंकि इंड एयर्स 12 यही फॉलो करता है, और हमारे फाइनल के सिलेबस में इंड एयर्स 12 है, ना कि AS22। ठीक है जी, तो अगर तुम इंटर में होते तो AS22 के बेसिस पे सॉल्व होता, फाइनल में हो तो अब इंड एयर्स 12 के बेसिस पे सॉल्व होगा। इंड एयर्स 12 क्या कहता है सुनना ध्यान से, ये क्या कहता है? ईयर 1, 2, 3, 4, 5, ये कहता है कि आप मुझे क्या बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए क्या बुक वैल्यू एज पर बुक्स, या यूं कहें एज पर इंड एयर्स, एज पर इंड एयर्स किसका बुक वैल्यू? एसेट का बुक वैल्यू, एसेट का बुक वैल्यू जिसकी वजह से डिफरेंस अराइज हो रहा है। बुक वैल्यू एज पर बुक्स, जिसको ये नाम देंगे कैरिंग अमाउंट, जिसको ये नाम देते हैं कैरिंग अमाउंट। सर ये नाम तो हमारे लिए नया नहीं है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं बिल्कुल। तो एज पर इंड एयर्स जो एसेट का बुक वैल्यू आने वाला है उसे बोला जाता है कैरिंग अमाउंट। कितना होगा बुक वैल्यू? मैंने कहा देखो स्टार्टिंग में ओरिजिनल कॉस्ट थी 30,000, 30,000, 30,000 पे हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है बुक्स में? 6,000। तो तुम्हारा बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट कितना रहने वाला है सर? 30 में से 6,000 लेस हुआ 24,000, फिर 24 में से 6,000 लेस हुआ 18,000, 18 में से 6,000 लेस हुआ कितना? 12,000, 12 में से 6,000 लेस हुआ 6,000, और फिफ्थ ईयर के एंड में कुछ नहीं, बुक वैल्यू निल। फिर ये कहता है एक बुक वैल्यू पता करो तुम एज पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स, इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बुक वैल्यू पता करो कि इनकम टैक्स में इस एसेट की बुक वैल्यू कितनी चल रही है। इनकम टैक्स डेटा के अकॉर्डिंग इसको बोला जाएगा टैक्स बेस। क्या बोला जाएगा? टैक्स बेस, इसको बोला जाता है टैक्स बेस। अच्छा अब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितना है? स्टार्टिंग ओरिजिनल कॉस्ट तो 30,000 ही थी, इनकम टैक्स में पहले साल फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 10,000, यहां पे दे रखा था क्वेश्चन में 10,000, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। ओके तो बुक वैल्यू कितना बचा एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड? 30 माइनस 10, 20,000, 20 माइनस 8, 12,000, 12 माइनस 6, 6,000, 6 माइनस 4, 2,000, और 2,000 माइनस 2,000 जीरो। फिफ्थ ईयर के एंड में इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी एसेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दैट इज द टैक्स बेस जीरो हो जाएगा। ओके
अब इंडियस कहता है, अब यहां पे जनरेट हुआ है डिफरेंस, उसको हम नाम देते हैं टेम्परेरी डिफरेंस, टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा, AS22 तो बोलता है टाइमिंग डिफरेंस, ये बोलता है टेम्परेरी डिफरेंस। ओके, टेम्परेरी डिफरेंस कितना है? कहा देखो एसेट की वैल्यू कितना, 24,000 एज पर बुक्स, कैरिंग अमाउंट 24,000 और टैक्स बेस कितना, 20,000। टेम्परेरी डिफरेंस कितना, 4,000। 18 और 12 कितना डिफरेंस, 18 और 12 का डिफरेंस 6,000। 12,000 और 6,000 का डिफरेंस कितना, 6,000। 6,000 और 2,000 का डिफरेंस कितना, 4,000। ओके, हाँ, और लास्ट में कितना, जीरो। टेम्परेरी डिफरेंस 4,000, 6,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, सुनो, ये जो टेम्परेरी डिफरेंस है, इंड एस 12 क्या कहेगा? इंड एस 12 कहता है, अभी रूल्स लिखवाना बाकी है ना, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं। इंड एस 12 कहता है कि अगर किसी एसेट का कैरिंग अमाउंट, अगर किसी एसेट का कैरिंग अमाउंट उसके टैक्स बेस से ज्यादा हो, अगर किसी एसेट, लिखवाऊंगा ये सब, एसेट का कैरिंग अमाउंट उसके टैक्स बेस से ज्यादा हो, तो ये आपके लिए टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस को जनरेट करता है। दो तरह के डिफरेंस आएंगे, एक टैक्सेबल आएगा, एक डिडक्टेबल आएगा। अगर एसेट का कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो टैक्स बेस से, तो ये आपके लिए टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस को जनरेट करता है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस को जनरेट करता है। टैक्सेबल मतलब इस पर आपको फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा, फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा, इसका मतलब ये क्या क्रिएट करेगा, ये आपके लिए क्या क्रिएट करेगा सर, ये हमारे लिए क्या क्रिएट करेगा, डेफर टैक्स एसेट्स और डेफर टैक्स लाइबिलिटी। ये आपके लिए DTL क्रिएट करेगा या DTA क्रिएट करेगा? सर ये हमारे लिए DTL क्रिएट करेगा, डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। एक काम करते हैं, मैं सिर्फ यहां पे डेफर टैक्स लाइबिलिटी लिख देता हूं। कितना डेफर टैक्स लाइबिलिटी सर, देखना बैलेंस शीट वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, 4,000 का 30%, 4,000 का 30% कितना, 1,200 रुपए। 6,000 का 30% कितना, 1,800 रुपए। अगेन 6,000 का 30% कितना, 1,800 रुपए। 4,000 का 30% कितना, 1,200 रुपए। और निल, निल का 30% कितना, निल। जरा गौर से देखो, ये 1,200, 1,800, 1,800, 1,200 और जीरो, कोई कोई वैल्यू आ गई क्या? मैंने कहा हाँ सर, ये देखो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो आप P&L अप्रोच से फाइंड आउट किए थे ना, बैलेंस शीट में कितना शो करना है, ये डायरेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट वैल्यूज से। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बैलेंस शीट में कितना शो करना है, ये डायरेक्टली आ जाएगा ऐसा बैलेंस शीट वैल्यूज को कंपेयर करके, एसेट का कैरिंग अमाउंट एज पर किसके अकॉर्डिंग, बुक्स, और बुक वैल्यू एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं टैक्स बेस। तो अगर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर किया जाए, तो जो डिफरेंस नजर आ रहा है दैट इज द टेम्परेरी डिफरेंस। उस टेम्परेरी डिफरेंस के बेसिस पर आप DTA DTL कैलकुलेट कर पाओगे। रूल्स मैं लिखवाऊंगा, अभी रूल्स अभी नहीं लिखवाए हैं। ओके, हाँ, बस मैंने ये बता दिया कि ये टैक्सेबल डिफरेंस कहलाएगा अगर एसेट का कैरिंग अमाउंट उसके टैक्स बेस से ज्यादा है। तो उसका लॉजिक टैक्सेबल क्यों बोला गया, वो इसीलिए बोला गया क्योंकि एसेट का बुक वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये है कि ऐसे बुक्स में डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ है, कम चार्ज हुआ है तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बुक्स में डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ है, कम चार्ज हुआ है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका मतलब टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया, ज्यादा चार्ज किया इसका मतलब उसके प्रॉफिट्स कम शो हो रहे होंगे, कम शो हो रहे होंगे तो फ्यूचर में तो ज्यादा लोगे ना तुम टैक्स, अब भी नहीं ले रहे हो तो क्या हो गया, फ्यूचर में तो टैक्स ज्यादा लोगे ना, इसलिए इसको टैक्सेबल डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है ना, याद रखना पड़ेगा। और ये क्रिएट करेगा क्या, डेफर टैक्स लाइबिलिटी। और ये डायरेक्ट अमाउंट मुझे कौन सा वाला बता देगा, जो बैलेंस शीट वाला आने वाला है, शोन इन द बैलेंस शीट।
ओके, फिर पीएनएल वाला कैसे आएगा? पीएनएल वाला बाद में आ जाएगा, डेफर टैक्स लाइबिलिटी शोन इन द पीएनएल, वो ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर करके आ जाएगा। कैसे? मैंने कहा पहले साल कितना है बैलेंस शीट में, 1200, ये तो फर्स्ट है ना, 1200 मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में 1200, ओपनिंग में तो कुछ था ही नहीं, तो 1200 ओपनिंग में तो कुछ था ही नहीं, निल। तो इस बार पीएनएल में कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। सेकेंड ईयर की बात करते हैं, सेकेंड ईयर के एंड में बैलेंस शीट में 1800 शो हो रहा है, फर्स्ट ईयर के एंड में कितना शो हो रहा था? 1200। ओके, इसका मतलब इस बार कितने से बढ़ गया? 600 रुपए। तो पीएनएल में कितना आ जाएगा? 600 रुपए। इस बार थर्ड ईयर के एंड में 1800, सेकेंड ईयर के एंड में 1800, पीएनएल में कुछ नहीं जाएगा। फिर उसके बाद इस बार 1200 और पिछली बार था 1800, इसका मतलब 600 क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। फिफ्थ ईयर के एंड में कुछ भी नहीं रहने वाला है बैलेंस शीट में। फोर्थ ईयर के एंड में कितना था? 1200, इसका मतलब कितना रिवर्स होने वाला है पीएनएल में? 1200। और ये वही अमाउंट है, 1200, 600 निल और 600 1200, कौन सा वाला? डीटीएल शोन इन द पीएनएल। पीएनएल में कितना शो रहा है? 1200, 600 निल, 600 नेगेटिव और 1200। मतलब करने के दो तरीके हो गए हैं सॉल्व। इंटर में आप पहले पीएनएल वाला डीटीएल कैलकुलेट करते थे, फिर बैलेंस शीट वाला करते थे। अभी फाइनल में तुमको पहले बैलेंस शीट वाला पता करना होगा और फिर पीएनएल वाला पता चलेगा। सर ये डीटीएल क्यों बना? टैक्सेबल इसलिए। बिल्कुल, एग्जाम्पल वही रखा ना मैंने, अपने को पता था ना डीटीएल बनेगा। ओके, अब इसके रूल्स में लिखवा दूंगा कि डीटीएल क्यों बना। ये टैक्सेबल डिफरेंस है, हम ये याद करेंगे, हमको याद करना पड़ेगा कि इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, देन इट क्रिएट्स टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इट क्रिएट्स टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और टैक्सेबल है इसलिए डीटीएल बनेगा। अगर टैक्सेबल नहीं होता, डिडक्टिबल होता, लिखवाऊंगा, डिडक्टिबल होता तो ये क्रिएट करेगा क्या? डीटीए, डेफर टैक्स एसेट। हर चीज धीरे धीरे लिखवाऊंगा। अच्छा इंडेक्स है ये, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन अच्छा इंडेक्स है, एक बार समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगा। चलो बोलो, यहां तक समझ में आया क्या ये वाली चीज? थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? बोलो थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये तो पता चला गया कि इस इंडेक्स में है क्या, इस इंडेक्स में है क्या। आप देखो सुनो, कोई मुझसे पूछेगा टैक्स एक्सपेंस कितना है, कोई मुझसे पूछेगा टैक्स एक्सपेंस कितना है, टैक्स एक्सपेंस कितना है? सर टैक्स एक्सपेंस क्यों पूछेगा? क्योंकि तुमको पीएनएल में लिखना होता है, पीएनएल के अंदर टैक्स एक्सपेंस बताना होगा कि ईयर वन में कितना, ईयर टू में कितना, ईयर थ्री में कितना, ईयर फोर में कितना, ईयर फाइव में कितना। तो टैक्स एक्सपेंस दो चीजों से मिलके बनेगा, एक तो करंट टैक्स, जो भी आपकी करंट टैक्स लाइबिलिटी है, और एक डेफर्ड टैक्स, जो भी आपकी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। आप देखो करंट ईयर में आपका टैक्स कितना बन रहा था, देखो फर्स्ट ईयर में करंट टैक्स कितना? 13800, फिर 14400, फिर 15000, फिर 15600, फिर 16200। तो मैं यहां लिख देता हूं, 13800, 14400, 15000, 15600 और 16200। और डेफर टैक्स कितना बन रहा था? सर डेफर टैक्स लाइबिलिटी पीएनएल में दिखाना है, पीएनएल में कितना बन रहा था? 1200, 600 निल, 1200, 600 निल, और फिर क्या हो रहा था? फिर 600 और 1200 रिवर्स हो गया था। डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्या हो गया था? रिवर्स, 600 और 1200 रिवर्स हो गया था। अल्टीमेटली टैक्स एक्सपेंस तुम पीएनएल में, तुम्हारे पीएनएल में टैक्स एक्सपेंस सबसे लास्ट में, पीएनएल के सबसे लास्ट में, याद है पीबीटी के बाद लेस किया जाता है टैक्स एक्सपेंस, वो टैक्स एक्सपेंस कितना दिखाओगे? 13800 और 1200 कितना? 15000, 14400 और 600 कितना? 15000, 15000 और निल कितना? 15000, 15600 और नेगेटिव 600 कितना? 15000, 16200 नेगेटिव 1200 कितना? 15000। तुम्हारे अकाउंट्स में जो पीएनएल बनेगा, वो पीएनएल में टैक्स एक्सपेंस
15,000 ही शो किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट मांग रही है अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर में 13,800, सेकंड में 14,400, तो करंट टैक्स अलग दिखाएगा और डेफर टैक्स अपन अलग दिखाएंगे। इस तरीके से हमें दिखाना होगा। क्या अब ये थीम तुमको थोड़ी थोड़ी समझ में आई? क्या बताओ फटाफट से मैसेज करके पूरी थीम। सर अब एक बार लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। बोलो समझ में आई क्या? सर बड़ा खतरनाक था, कैसे बोलें कि समझ में आई है। यस सर। अच्छा हर्ष तो कह रहे हैं हाँ सर समझ में आई है, लवी भी कह रही है समझ में आई है। अच्छा फिर किसको कम समझ में आया? अच्छा स्नेहा भी कह रही आ रही है सर समझ में आ गया। अभी वो रूल लिखेंगे इंडेक्स के अकॉर्डिंग तब प्रॉपर क्लियर होगा ना, क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर होगा, लेकिन पर्टिकुलर मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट में समझो। तुम तो केवल पर्टिकुलर ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये पूछ रहा हूँ, केवल पर्टिकुलर ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको इंडेक्स 12 आ गया क्या, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया क्या कि किस तरीके से हमने करंट टैक्स और डेफर टैक्स की कैलकुलेशन की है। ओके पूजा जिसको कम समझ में आया कोई बात नहीं, जब हम अब लाइन से लिखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। चलिए लिखना शुरू करते हैं, काम करते हैं। अच्छा बताओ ये एग्जाम्पल लिखना है क्या? ऐसे एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे अपने को, लिखें क्या? बोलूं एक काम करो आप बाद में लिख लेना, आप इसके लिए थोड़ा जगह छोड़ दो। ये कॉन्सेप्ट है इंडेक्स 12 के लिए, अपन लिख सकते हैं, अब इसके लिए थोड़ा जगह छोड़ दो ठीक है। और अब लिखना स्टार्ट करो जैसे जैसे लाइन से मैं लिखवा रहा हूँ ठीक है। अब आपको चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। लिखो, पहले कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था कि भैया क्या क्या होगा इसके अंदर। चलिए अब हम इंडेक्स 12 में लिखना स्टार्ट करते हैं। हर्ष स्क्रीनशॉट लेंगे, बिल्कुल हर्ष वैसे वीडियो में आ जाएगा, वहां से ले लेना बेटर रहेगा ठीक है। एक बार वीडियो ओपन करना पड़ेगा, बेटर है वहां से ले लेना ठीक है। अब देखो लिखो सबसे पहले हैशटैग, टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस। इट मींस टैक्स एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स एज पर इंड एयर्स, एज पर इंड एयर्स। तो जब इंड एयर्स का पीएनएल बनाएंगे तो पीएनएल में टैक्स एक्सपेंस कितना शो करेंगे वही अमाउंट हम बात कर रहे हैं। इट मींस द टैक्स एक्सपेंस रिकॉग्नाइज इन द बुक्स एज पर इंड एयर्स। टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल्स टू दो, करंट टैक्स प्लस डेफर टैक्स। करंट टैक्स एक्सपेंस प्लस माइनस डेफर टैक्स एक्सपेंस। प्लस माइनस क्यों किया सर? मैंने कहा देखो अभी अपने एग्जाम्पल में लाइबिलिटी था, तब तो हम करंट टैक्स जो लाइबिलिटी है और डेफर टैक्स लाइबिलिटी उन दोनों को ऐड कर दिए थे। करंट टैक्स लाइबिलिटी और डेफर टैक्स लाइबिलिटी दोनों को ऐड कर दिए थे। कभी मान लो डेफर टैक्स एसेट जनरेट हो, तो अब डेफर टैक्स एसेट जनरेट होगा तो हमें क्या करना होगा? लेस करना होगा, इसलिए प्लस और माइनस हमने दोनों लिखा। तो टैक्स एक्सपेंस इक्वल्स टू करंट टैक्स एक्सपेंस प्लस माइनस डेफर टैक्स एक्सपेंस। अच्छा कभी रिवर्सल हो लाइबिलिटी का, ये देखो लाइबिलिटी का रिवर्सल हो तब भी माइनस करना पड़ेगा ठीक है। तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी का रिवर्सल हो या डेफर टैक्स एसेट हो तो अपने को क्या करना होगा? माइनस करना होगा, इसलिए मैंने करंट टैक्स एक्सपेंस प्लस माइनस डेफर टैक्स एक्सपेंस लिखवा दिया। करंट टैक्स एक्सपेंस क्या होता है? करंट टैक्स एक्सपेंस
इट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट ओके सर जैसे हमारे एग्जाम्पल में आपने बताया था वो वाला हाँ वही वाला ये देखो करंट टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कितना बन रहा है तुम्हारे बुक्स में 50,000 का प्रॉफिट था लेकिन वो 6,000 डेप्रिशन लेस करने के बाद था इनकम टैक्स कहते हैं 6,000 नहीं 10,000 का डेप्रिशन अलाउ कर रहा हूं मैं पहले साल तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है 46,000 और उसके अकॉर्डिंग टैक्स कितना बन रहा है 46,000 का 30% 13,800 रुपए तो ये जो 13,800 क्या है करंट टैक्स है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट पर टैक्स बन रहा है वो बन कहलाएगा करंट टैक्स एक्सपेंस फिर आता है डेफर्ड टैक्स डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस चलो मैं इसके लिए एक और एग्जांपल अभी लिखवा दूंगा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस इट इज टेम्परेरी सेविंग इन टैक्स It is temporary saving in tax. अभी saving हो रहा है तो ये क्या create करके देगा deferred tax liability और payment of या कभी कभी हो सकता है कि आप additional tax pay कर दें और payment of additional tax ड्यू टू टेम्परेरी डिफरेंसेस बिटवीन कैरिंग अमाउंट between carrying amount and tax base between carrying amount and tax base of assets and liabilities okay सर ये कैरिंग अमाउंट वगैरह क्या होता है टैक्स बेस क्या होता है कैरिंग अमाउंट होता है बुक वैल्यू एज पर एंड ईयर्स बुक वैल्यू एज पर इंडेक्स या यूं कहें एज पर बुक्स और टैक्स बेस क्या होता है टैक्स बेस होता है बुक वैल्यू लेकिन बुक वैल्यू कौन सी बुक्स में इनकम टैक्स बुक्स में एज पर इनकम टैक्स बुक्स एज पर इनकम टैक्स बुक्स इनकम टैक्स में उसी एसेट या लाइबिलिटी का कितना वैल्यू चल रहा है और एज पर इंडेक्स बुक्स उसमें कितना चल रहा है ये हो गया कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस ये क्रिएट करेगा क्या टेम्परेरी डिफरेंस और इसी टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से क्या होगा या तो टेम्परेरी सेविंग होगा टैक्स में या एडिशनल पेमेंट टैक्स होगा ओके लिखो एक एग्जांपल
अब एग्जाम्पल वापस वही चीज़ है, बस वैल्यू भले ही मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। चलो एक काम करो सर, वो मत लिखवाओ, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या? ए लिमिटेड परचेज्ड अ पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 5,000, कॉस्टिंग रुपीज 5,000। डेप्रिशिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिशिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट 20% पर एनम ऑन एसएलएम बेसिस, ऑन एसएलएम बेसिस इन बुक्स। तो बुक्स में आप 20% डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं हर साल, मतलब 5,000 का 20% 1,000 रुपये। डेप्रिशिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट 25%, एट द रेट 25% पर एनम ऑन एसएलएम बेसिस, ऑन एसएलएम बेसिस इन इनकम टैक्स। सर इनकम टैक्स में कौन सा एसएलएम बेसिस लगता है? अरे चलने दो रे, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। मान लो क्वेश्चन वाला अगर बोल के देगा ना इनकम टैक्स में एसएलएम से लग रहा है, तुम एसएलएम से ही मानना, ठीक है ना? ओके 25% एसएलएम पावर जनरेशन यूनिट्स पे भी हो जाता है कंपनीज के अंदर एसएलएम। फिर उसके बाद ओके, फिर आपको दे दिया क्या प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स। पीबीडीटी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, पीबीडीटी कितना? पीबीटी है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये ईयर 1 to 5, 5 साल, हर साल 10,000 रुपये, हर साल 10,000 रुपये ओके पर एनम। टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30% ओके। आप समझो इसको, सर है ना, इस बार इंड एएस के अकॉर्डिंग पहले करवा दो, इस बार इंड एएस के अकॉर्डिंग पहले करवा दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इस बार इंड एएस के अकॉर्डिंग पहले करवा देते हैं। बाकी मुझे ये समझाना ही था कि क्या इस एग्जाम्पल से टेम्परेरी सेविंग इन टैक्स और पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स ये क्रिएट करके देगा डीटीएल और डीटीए। चलो फिर भी बुक्स इंड एएस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, क्योंकि सॉल्व तो इंड एएस के अकॉर्डिंग करना है ना, तो सर वो हमें समझा दो, लॉजिक हम बाद में समझ लेंगे। मैं कहा ठीक है पहले ये वो देखो फिर लॉजिक बता देता हूँ। मैं कहा देखो क्या ईयर 1, 2, 3, 4, 5 कैरिंग अमाउंट। अब आप जानते हैं कैरिंग अमाउंट क्या होता है, तो इसलिए मेरे को डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं कि बुक वैल्यू एज पर इंड एएस, बुक वैल्यू एज पर इंड एएस लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। कैरिंग अमाउंट कितना? सर देखो स्टार्टिंग में 5,000 थी, एट द डेट ऑफ परचेज या वेरी फर्स्ट डे मैं कहूं तो बुक्स में, हमारी बुक्स में भी 5,000 है और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी 5,000 है, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में आते आते, अब मैं पहले बुक्स की बात करूं तो बुक्स में कितना डेप्रिशन लग रहा है? सर 20% लग रहा है बुक्स में, तो 5,000 पे 20%
1000, और हर साल 1000 ही लग रहा है एसएलएम बेसिस पर। ओके, अरे सर ये तो डेप्रिसिएशन है ना, तो 5000 में से 1000 गया, कितना बचा? 4000। फिर 4 में से एक और गया 3000, फिर एक और गया 2000, फिर 1000 का और डेप्रिसिएशन लग गया, बचा 1000। और इस 1000 का भी जब डेप्रिसिएशन लग जाएगा तो बचेगा नल। टैक्स बेस कितना? टैक्स बेस क्या कह रहा है सर? टैक्स बेस कह रहा है कि इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग एसेट का बुक वैल्यू कितना है। तो इनकम टैक्स में 25% का डेप्रिसिएशन लगता है एसएलएम। ओके, तो 25% में लगाऊंगा तो 5000 का 25% कितना होता है? 1250 होता है सर। तो 1250 हटा दो, 5000 में से 1250 लेस किया, 3750। फिर 1250 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा सेकेंड ईयर में, तो लेस कर दोगे तो बचेगा 2500। फिर 1250 का और डेप्रिसिएशन बचा कितना? 1250। और फिर 1250 का और डेप्रिसिएशन लग जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा फोर्थ ईयर के एंड में ही नल। 4 सालों में ऐसे डेप्रिशिएट हो जाएगी, फिफ्थ ईयर में तो नल होना ही होना है। ओके, अब ये तुम्हारे लिए क्या जनरेट करके देगा सर? ये हमारे लिए टेम्परेरी डिफरेंस जनरेट करके देगा, टेम्परेरी डिफरेंस जनरेट करके देगा। ओके, टेम्परेरी डिफरेंस बोला ना, ड्यू टू टेम्परेरी डिफरेंस, ओके, बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अभी टेम्परेरी डिफरेंस मुझे बताना कितना सर? 4000 और 3750, 250। 3000 और 2500 कितना? 500। 2000 और 1250 कितना? 750। 1000 और नील कितना? 1000। ओके, और इस बार कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं, नील नील जीरो। सर ये टाइमिंग डिफरेंस क्या है, टैक्सेबल है या डिडक्टिबल? मैंने कहा अभी तक मैंने लिखवाया तो नहीं है कि ये टैक्सेबल या डिडक्टिबल, बट सुन लो समझ लो। अभी जो ऊपर एग्जांपल किया वही, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर ग्रेटर देन टैक्स बेस, एसेट का कैरिंग अमाउंट अगर टैक्स बेस से ज्यादा होगा तो ये जो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहलाएगा, वो कहलाएगा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये मैं लिखवाऊंगा, अभी अभी लिखवाना बाकी है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहलाएगा। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहलाएगा। ओके, और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आपके लिए जनरेट क्या करेगा? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो हमें पता करना है कि हमें डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बैलेंस शीट में कितना शो करना है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू से तो बैलेंस शीट का ही वैल्यू पता चलेगा ना पहले, तो बाद में पीएनएल पता चलेगा। ओके, शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में तुम डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितना शो करोगे? मैंने कहा देखो टैक्स का रेट कितना है, 30%, तो 250 का 30% कितना होता है? 250 का 30% 75। फिर उसके बाद 500 रुपए है टेम्परेरी डिफरेंस, तो 500 का 30% कितना? 150 रुपया। लाइबिलिटी साइड में तुम डीटीएल कितना दिखाओगे? 150 रुपए। फिर उसके बाद 750 का 30% कितना? 225 रुपए। 1000 का 30% 300 रुपए। ये तुम्हारा डेफर टैक्स लाइबिलिटी का अमाउंट होगा जो कि तुम बैलेंस शीट में शो करोगे, और फिफ्थ ईयर में कुछ शो नहीं करना है, नल। इसका मतलब डेफर टैक्स लाइबिलिटी पीएनएल में कितना चार्ज होगा, टैक्स एक्सपेंस का कितना पार्ट बनेगा डीटीएल, डीटीएल टैक्स एक्सपेंस का कितना पार्ट बनेगा? मैंने कहा देखो पीएनएल में कैसे जाएगा, मैंने कहा देखो बैलेंस शीट में तुमको दिखाना है 75, ओपनिंग में तो कुछ था नहीं, तो बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी कैसे आया? पीएनएल में इस बार ट्रांसफर किया होगा ना पीएनएल से। ओके, तो इस बार पीएनएल में तुम दिखाओगे कितने का खर्चा, डेफर टैक्स एक्सपेंस 75 रुपए का, क्लोजिंग 75 है, ओपनिंग कुछ था नहीं तो 75 रुपए। सेकेंड ईयर के एंड में तुम लाइबिलिटी शो कर रहे हो 150, और सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में कितनी थी? 75। इसका मतलब इस बार लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज हो गई? 75%। तुम पीएनएल में कितना दिखाओगे? 75% नहीं 75।
225 पिछली बार थी, 175, 300 माइनस 225 कितना, 75। हर साल डीटीएल क्रिएट हो रहा है 75 से और हर साल बढ़ता जा रहा है। पहले साल 75, अगले साल फिर 75, तो टोटल हो गया 150, फिर 75 तो हो गया टोटल 225, फिर 75 तो हो गया 300, और उसके अगले साल सर इस बार तो कुछ है ही नहीं, नल। और पिछली बार कितना था, 300, तो 300 सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। सारा का सारा क्या हो रहा है यहाँ पे, रिवर्स, इसे बोलेंगे रिवर्सल ऑफ डीटीएल, रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ओके, अच्छा एक ही चीज मैंने फिर समझा दी, वापस समझा दी, अभी समझ में आई क्या? अच्छा इसका लॉजिक बताता हूं सर, ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्यों क्रिएट हुआ, सुनना। तुम्हारे बुक्स में एसेट का वैल्यू है 4,000, क्यों? क्योंकि 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा, और टैक्स बेस के अकॉर्डिंग, टैक्स वालों के अकॉर्डिंग तुम्हारी एसेट की वैल्यू है बची है सिर्फ 3,750, क्योंकि टैक्स वालों ने 1,250 रुपए का टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ किया है। ओके, मतलब अगर मैं बात करूं ईयर 1, 2, 3, 4, 5, लॉजिक समझना, डेप्रिसिएशन कैसा, एज पर बुक्स, और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। बुक्स में 1,000 का है, इनकम टैक्स में 1,250 का है, इनकम टैक्स वाले ज्यादा खर्चा अलाउ कर रहे हैं। अब ज्यादा खर्चा अलाउ करेंगे तो ऑब्वियसली उनके अकॉर्डिंग टैक्सेबल प्रॉफिट कम बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल कम बनेगा, टैक्सेबल प्रॉफिट कम बनेगा, तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ेगा, आज कम देना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में तो ज्यादा देना पड़ेगा ना। आज डेप्रिसिएशन उसने ज्यादा अलाउ कर दिया, लेकिन आगे चल के, चलो सेकेंड ईयर हम 1,000, ये 1,250, फिर इसने ज्यादा अलाउ कर दिया। थर्ड ईयर मैं 1,000, इसने फिर 1,250 अलाउ कर दिया, फिर इसने खर्चा ज्यादा अलाउ कर दिया। फोर्थ ईयर में मैं 1,000, इसने फिर खर्चा ज्यादा अलाउ कर दिया, लेकिन फिफ्थ ईयर में मैं अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन दिखाऊंगा 1,000 अकाउंटिंग बुक्स में, लेकिन इनकम टैक्स वाले कहेंगे हमने तो पहले ही फुल्ली डेप्रिशिएट कर दी है एसेट। तो इनकम टैक्स वाले क्या कहेंगे के अकॉर्डिंग यहां पर खर्चा ज्यादा अलाउ हुआ ना, खर्चा ज्यादा अलाउ हुआ इसका मतलब आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम बनेगा, टैक्सेबल प्रॉफिट आज गवर्नमेंट को टैक्स अपने को कम देना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे लिए क्या क्रिएट करके देगा, डीटीएल क्रिएट करके देगा। ये टाइमिंग डिफरेंस हमारे लिए डीटीएल क्रिएट करके देगा, कितना, 250 × 30% 75 रुपए का डीटीएल। ऐसे ही सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में पीएनएल में और कितना डीटीएल क्रिएट होगा, अगेन टैक्स वाले कह रहे हैं 250 रुपए का ज्यादा खर्चा अलाउ कर दिया। ज्यादा खर्चा अलाउ करने का मतलब हो गया कि भैया टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ेगा। अब भी कम देना पड़ा ना, बट फ्यूचर में तो देना पड़ेगा, इसलिए हम क्रिएट करेंगे डीटीएल। इस बार कितना क्रिएट होगा, 75, टोटल कितना हो चुका है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में 75 पिछली बार था, 75 और हो गया, मतलब 150 हो गया बैलेंस शीट के अंदर। ये तो पीएनएल का अमाउंट और ये बैलेंस शीट का अमाउंट। ओके, फिर अगेन वही बात सर, इस बार फिर खर्चा ज्यादा अलाउ कर दिया, खर्चा ज्यादा अलाउ करोगे तो क्या होगा, खर्चा ज्यादा अलाउ करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ेगा। मैंने कहा अब भी कम देना तो क्या हुआ, तो क्या होगा, फ्यूचर में तो देना पड़ेगा ना, तो क्रिएट करो डेफर टैक्स लाइबिलिटी। और टोटल कितना इस बार, और 75 हो गया, तो 150 + 75 225। फिर उसके बाद फिर अगेन वही फोर्थ, खर्चा ज्यादा अलाउ हुआ, टैक्स कम देना पड़ेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा, अब भी ना बट बाद में तो देना पड़ेगा, रिकवरी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करो, और अब बैलेंस शीट में डेफर टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई है, 300 हो गई है। और नेक्स्ट, इस बार इनकम टैक्स वाले खर्चा अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लेगी कि नहीं लेगी, बिल्कुल लेगी। तो इसलिए इस बार क्या होगा, वो जो तुमने डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट कर रखा है उसका रिवर्सल होगा,
1000 का 30%, 300 रुपए का क्या होने वाला है? रिवर्सल होने वाला है, रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ओके, और अब बैलेंस शीट में कितना रहेगा? सर पिछली बार 300 था, 300 हमने इस बार रिवर्स कर दिया, अभी बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं रहेगा। क्या आपको अब समझ में आया? वापस हम इस तरीके से करेंगे इंड एस के अकॉर्डिंग, ये वाला तरीका, लेकिन ये वाला तरीका भी साथ में दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि ये लॉजिक से बनता है एक तरीके से, और वो सिर्फ अपने को ऐसे रटने जैसा हो जाएगा। लॉजिक तो वो भी है, बट वो रटने जैसा फील होगा, और लेकिन ये रटने जैसा फील नहीं होगा। अब फटाफट से मुझे मैसेज करके बताओ, क्या आपको ये चीज समझ में आई क्या? फिर पूछ रहा हूं एक और एग्जाम्पल करवा के। सर ये AS 22 के अकॉर्डिंग समझाया आपने, और वो था इंड एस, हमें करना इंड एस के अकॉर्डिंग। अभी आप रूल्स लिखवाएंगे, अभी बाकी है कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है, डिडक्टेबल क्या होता है। बिल्कुल बोलो फटाफट से। स्नेहा ने कहा यस सर, लवी ने कहा यस सर, प्रियांशी यस सर, ओके ओके लवीना यस, ठीक है जी, ओके पूजा, हाँ जी लक्षिता, हर्ष समझ में आ गया, ओके यस। अच्छा लिख लिया क्या ये बताओ? आज फिर मैं एक बार इतना ही रोक रहा हूँ, टैक्सेबल कब होगा, डिडक्टेबल कब होगा, ये सब कल लिखवाऊंगा मैं, आज इतना ही रोक रहा हूँ। लिख लिया क्या? बोलो डन। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ लिख लिया, किसी ने बोला नहीं है वेट करने को। चलिए तो ये बहुत ही मैंने तरीके से लिखवाया, एक बार इसको घर से आप वापस पढ़ना। अब भले ही ऊपर वाले एग्जाम्पल को मत लिखना तुम, अगर जरूरत हो तुम्हें लिखना हो तो लिख लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। मैंने फिर से एक और एग्जाम्पल लिखवा दिया है यहाँ पर, समझ में आ गया? इंड एस के अकॉर्डिंग पहले बैलेंस शीट वाला डीटीएल अमाउंट क्रिएट पता चलता है, फिर पीएनएल वाला हम पता कर लेते हैं विद द डिफरेंस, ठीक है ना? हाँ, ये इंड एस 22 वाला तो लिखना ही, ये तो दोनों ही लिखना है ना इसमें, तो ये वाले एग्जाम्पल में तो दोनों ही लिखा होगा ना आपने। एग्जाम में हम इस तरीके से सॉल्व करके आएंगे इंड एस 22 के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट अप्रोच। और समझने के लिए कि यार ये डीटीएल कैसे, ये टैक्सेबल डिफरेंस कैसे, इसके लिए टैक्सेबल क्यों बोला इसको, इसके लिए मैंने ये तुमको समझाया, ये है AS 22 का पीएनएल अप्रोच। क्योंकि तुमने इनकम टैक्स पढ़ रखा है ना, तो इनकम टैक्स में तुमको वही समझ में आता है, ये वाली चीज समझ में आती है कि अच्छा हमारे अकॉर्डिंग इतना टैक्स, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इतना टैक्स, ठीक है ना? तो वो चीज समझ में आती है तुमको, मैंने उसके अकॉर्डिंग बता दिया कि अच्छा जी इनकम टैक्स वाले ज्यादा खर्चा अलाउ कर रहे हैं, ज्यादा खर्चा अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनका टैक्सेबल प्रॉफिट कम बनेगा, इसका मतलब आज हम उनको टैक्स कम देंगे लेकिन फ्यूचर में तो देना पड़ेगा ना, तो ये डीटीएल क्रिएट करके देगा, हर साल डीटीएल पीएनएल में ट्रांसफर करते जाओ, लाइबिलिटी बनाते जाओ, खर्चा बुक करते जाओ, डीटीएल डेफर टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी, सुनना, डेफर टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी, डेफर टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी, डेफर टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी। ऐसा करने से डेफर टैक्स लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ता जाएगा बैलेंस शीट में, और एक दिन रिवर्स हो जाएगा, डेफर टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स एक्सपेंस। कल लिखवाऊंगा ये सारा एंट्रीज वगैरह, ठीक है ना? तो ये लॉजिक से और ये याद रखने लायक है कि कब, कल लिखवाऊंगा, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, और इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज लेस देन द टैक्स बेस, मतलब एसेट और लाइबिलिटी को कंपेयर करना है हमारी बुक्स में और इनकम टैक्स की बुक्स में बस, और उससे टैक्सेबल डिफरेंस और डिडक्टेबल डिफरेंस पता कर लेना है। टैक्सेबल डिफरेंस आएगा तो डीटीएल क्रिएट होगा, डिडक्टेबल आएगा तो डीटीए क्रिएट होगा, डेफर टैक्स एसेट। कल बात करेंगे, और आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।